आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूँ वर्ष गौरी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश्वर सरकार ने न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी कर मायूस होते किसानों के चेहरों पर खुशी लाने का काम किया। ये किस्त समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के अंतर की राशि बताई जाती है और जिसे लेकर सूबे की सियासत भी गर्म रहती है। सरकार चार किस्तों में अंतर की राशि किसानों को दे रही है और इधर बीजेपी सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि ये एक तरह का छलावा है कि कर्ज लेकर सरकार अपना वादा पूरा कर रही है और विपक्ष के मुताबिक ये राज्य की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। खैर, क्या सही है और क्या गलत, इस पर तो आज बात होगी ही। साथ ही हम मध्य प्रदेश का भी रुख करेंगे जहां रोजगार के लिए 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं जबकि कतार में 30 गुना से भी ज्यादा बेरोजगार हैं और ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन सच यही है कि देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बेतहाशा है और मौजूदा वक्त में 30 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड है। इसमें ज्यादातर युवा प्रदेश के बताए जाते हैं जो रोजगार के लिए परेशान हैं। हालांकि शिवराज सरकार के उस ऐलान ने इन्हें कुछ राहत जरूर दी है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य के बच्चों को ही प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे सभी को रोजगार मिल जाएगा? शायद नहीं। लिहाजा वापस ये सवाल आ जाता है कि आखिर बेरोजगारी की बेबसी कैसी और कब तक दूर होगी और शिवराज सरकार रोजगार तलाशने की बड़ी चुनौती से आखिर किस तरह निपटेगी। इस बड़े सवाल का जवाब जानने की भी हम कोशिश करेंगे और लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहाँ पर भूपेश सरकार अब सौगातों की सरकार कही जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग योजनाओं में किसानों, गोबर विक्रेताओं और तेंदू पत्ता संग्राहकों के खाते में 1700 करोड़ से भी ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ की दूसरी किस्त ट्रांसफर हुई जबकि गौधन योजना में गोबर विक्रेताओं को 4.5 करोड़ और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। भूपेश सरकार प्रदेश की जनता को लगातार सौगातें दे रही है और ऐसे में कई लोग उसे सौगातों की सरकार भी कह रहे हैं। हालांकि विपक्ष सौगातों के लिए लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर सवाल उठा रहा है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरुआत करें लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। धान खरीदी की सियासत का असर कहें या फिर अपनी छवि को दुरुस्त करने की सरकार की कवायद, राजीव गांधी की जयंती के मौके को भुनाते हुए भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों को अंतर की राशि वाली दूसरी किस्त जारी कर दी। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की राशि दी जा रही। करीब 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त 21 मई यानी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर दूसरी किस्त के 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए। किसानों के चेहरे पर इस बात को लेकर मुस्कान छा गई। सरकार धीरे धीरे ही सही राशि देकर अपना वादा पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है? किसानों को अंतर की राशि जारी करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर कर्ज का रास्ता अख्तियार किया। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ पर कर्ज का बढ़ता ये बोझ क्या आगे चलकर विकास की राह में रोड़ा नहीं बनेगा, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। इधर विपक्ष ने सरकार के कर्ज लेने पर सवाल उठाते हुए कहा है राजीव गांधी न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है। बीजेपी ने सरकार को दूरदर्शी होने की नसीहत भी दी है। विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों पर सत्ता पक्ष ने जोरदार पलटवार भी किया है। कब तक सरकार कर्जा लेकर
1500-1700 करोड़ रुपए इस योजना में बांटा जा रहा है। आज व्यापार और उद्योगों की हालत खराब है, उस स्थिति में इस प्रकार का कर्ज लेना कहीं न कहीं इस प्रदेश में बड़ी चोट, आर्थिक बड़ी चोट डालने जैसा होगा। कहीं और कहीं बीच में ही इस योजना की सांसें न फूल जाए। छत्तीसगढ़ के जिस तरीके से भूपेश जी के मन में विकास की ललक है, गरीबों के लिए जो सेवा करने का उनके मन की जिज्ञासा है, वो अब छत्तीसगढ़ की जनता के सामने दिख रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में ले जा रहे हैं, तो अपने आप में ये देश के लिए बड़ी मिसाल है। बहरहाल भूपेश सरकार की फिलहाल पहली प्राथमिकता किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि को वितरित करना है। पहली और दूसरी किस्त जारी करने के बाद निश्चित तौर पर अब सरकार पर अगली किस्त वक्त पर देने का दबाव बढ़ेगा। देखते हैं इसके लिए भूपेश सरकार किस तरह, कैसे और कब तक राशि का इंतजाम करती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार क्या सौगातों की सरकार है, और आज इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है, रायपुर स्टूडियो से भी जुड़ गया है। आपको चलिए तारुफ करा देते, कांग्रेस प्रवक्ता हैं घनश्याम राजू जी। घनश्याम राजू जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन श्री चंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और भोपाल स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो घनश्याम राजू जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी कि बहुत अच्छी बात है, कई तमाम सौगातों का पिटारा यहाँ पे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खोल दिया है, और लगातार किसान हितैषी वो कार्य करते आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से न्याय योजना की दूसरी किश्त जो हमने देखी है, उन्होंने दे दी है किसानों को, और इसका हम एडवांटेज देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका कितना आने वाले समय में आप सभी लोगों को फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिन वायदों को चुनाव पूर्व प्रदेश की जनता से किया था, किसानों से किया था, तेंदुपत्ता मजदूरों से किया था, और कहीं ना कहीं यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के जो वायदे उन्होंने ग्रामीण जनताओं से किए थे, आज उन वायदों को उन्होंने पूरा किया है, जिसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, देखना और समझना ये होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक इस भारत देश में सत्तारूढ़ दल की ये प्रमुख जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि प्रदेश के नागरिक, प्रदेश की जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रदेश है, यहाँ 80% लोग खेती किसानी पर ही आधारित अपना व्यापार करते हैं, और भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से किसानों की आर्थिक उन्नति बनी रहे, उन्हें लागत मूल्य का एक अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो, जिसकी बात उन्होंने कही, और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की बात की, केंद्र के रोड़े के बावजूद कहीं न कहीं 1800-1500 रुपए से ऊपर न देने की एक बाध्यता केंद्र सरकार ने लगाई, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उस बचे हुए 685 रुपयों को किसानों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था बनाई, जिसकी दूसरी किस्त 1500 करोड़ रुपए की आज किसानों के खाते में, 19 लाख किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, गोधन न्याय योजना एक ऐसी न्याय योजना जो, लेकिन सुंदरानी जी और बीजेपी तो कह रही है कि न्याय योजना नहीं, ये तो अन्याय योजना है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यही कहूंगा, मैं तथ्यों को इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि गौधन न्याय योजना ये देश की ऐसी पहली राज्य है छत्तीसगढ़ सरकार, जो पशुपालकों के गोबर को खरीदकर उन्हें कहीं न कहीं आर्थिक उन्नति के लिए जोड़कर काम देख रही है। तेंदुपत्ते के संग्राहक जिनका मानक बोरा 2500 रुपए हुआ करता था, उसे बढ़ाकर आज 4000 रुपए किया गया, और उस पर उन्हें कहीं न कहीं पैसे दिए जा रहे हैं। तो 1750 करोड़ के आसपास लगभग आज ये राशि प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के गौधन न्याय योजना से जुड़े हुए लोगों को, तेंदुपत्ता सरकार ने यहाँ पर दी है। अब रही बात आप जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी के प्रश्नों का,
तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में पूरी तरह से नकारी जा चुकी है, वो मुद्दा विहीन है। अन्याय क्या होता है अगर हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, अगर ये अन्याय है तो ये अन्याय हम बार बार करेंगे। अच्छा, अगर गौधन योजना के नाम पर हम रोजगार पैदा कर रहे हैं तो ये अन्याय है, तो हम ये अन्याय बार बार करेंगे। तेंदू पत्ता के संग्राहकों को अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, वनोपज की उनको कीमत दे रहे हैं, अगर ये अन्याय है तो ये अन्याय हम बार बार करेंगे। लेकिन जो अन्याय की गाथा गढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, 15 वर्षों तक इस प्रदेश में सत्ता पर काबिज रही, लेकिन कभी भी उन्होंने किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, आदिवासियों की ओर ध्यान नहीं दिया, तेंदू पत्ता के संग्राहकों को ध्यान नहीं दिया। आज भूपेश बघेल जी की सरकार 18 माह में जनहितकारी फैसले लेकर केंद्र में कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को लागू कर पाने में राज्य पहला राज्य है देश का जहां 2500 रुपए किसानों के धान के समर्थन में मूल्य मिलता है, जहां पर पशुपालकों के गोबर की खरीदी करके एक रोजगार के नए आयाम गढ़े जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अन्याय कहती है। मैं तो कहता हूं प्रदेश की जनता है, देख रही है, अन्याय कहने के पहले उसका विचार कर ले भारतीय जनता पार्टी। सुंदरानी जी, सरकार, राज्य सरकार अगर किसान हितैषी है और किसानों के हित में अगर न्याय योजना के तहत आज दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई, किसानों से जो जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो मवेशी आए दिन सड़कों पे घूमते रहते थे, मर जाते थे, अब उनकी भी देख रेख होने लगी है, गोबर खरीदा जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट को ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो क्यों भाई आप लोग को तो सहयोग करना चाहिए प्रदेश के हित के लिए, क्यों रोड़ा अटका रहे हैं? देखिए, हमने कभी योजना का विरोध नहीं किया। किसानों को अगर ये पैसा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दे, किसानों को पैसा देने का हम स्वागत करते हैं। गोबर खरीद रहे, गोबर खरीदने का भी हमें कोई ऐतराज नहीं। गोबर खरीदने की योजना, गोधन योजना तो आदरणीय मोदी जी ने 2019 में लाई थी, हालांकि उसका क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये तो मोदी जी की नकल की है। तो गोधन योजना से हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध तेंदू पत्ता के। कांग्रेस कहती है कि यूपीए मैं आपको समय दे रही हूँ, लेकिन मैं बस आपके बात पे सिर्फ एक बात रखना चाह रही हूँ कि कांग्रेस कहती है कि यूपीए के यूपीए वन और यूपीए टू के टाइम जितने भी योजनाएं थी उनको तो मोदी सरकार ने आगे कंटिन्यू कर दिया, तो यही आरोप तो अब कांग्रेस भी लगाती है और यही चीज आप कह रहे हैं। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए देखिए देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार की अगर कुछ योजनाएं अच्छी योजना थी, मनरेगा योजना को हमने आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से आगे बढ़ाया, और कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हमारी योजना को आगे बढ़ा रहे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये झूठी वाहवाही क्यों लेते हैं? तेंदू पत्ते के मामले में भाई राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, 2500 रुपए मानक बोरा रेट देते थे डॉक्टर रमन सिंह जी, इन्होंने 4000 रुपए देने की बात की और 4000 से पेमेंट भी कर रहे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 2500 के साथ लाभांश देते थे, बोनस का पैसा देते थे, छात्रवृत्ति का पैसा देते थे। अगर वो सारे पैसे जोड़ दिए जाएं, बाजार में तेंदू पत्ता जो बिकता था उसका जो प्रॉफिट आता था उसका लाभांश पूरा तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को दिया जाता था, लेकिन इन लोगों ने 2500 रुपए का 4000 करके छात्रवृत्ति बंद कर दी, बीमा योजना बंद कर दी, बोनस बंद कर दिया, इन्होंने लाभांश देना बंद कर दिया। ये तेंदू पत्ते का मामला। गोबर खरीद रहे 2 रुपए किलो में, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति गोबर के कंडे बनाता है, 1 किलो में 3-4 कंडे बनते हैं, ये 2 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, उसमें 3-4 कंडे, एक एक कंडा 3-3, 4-4 रुपए का कंडा बिकता था। कहीं ना कहीं ये 2 रुपए कम है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसका रेट बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, हमारा ये सवाल रहता था कि प्रदेश भर में साल भर में कितना बजट गोबर खरीदने के लिए रखा है, बजट में कोई प्रावधान तो अभी तक इन्होंने किया नहीं, ये हमारा विरोध रहता था। अब आ जाए किसान न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना की बात मैं करूंगा।
देखिए अभी इन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए, 1500 करोड़ पिछली बार दिए, चार किस्तों में पैसा दे रहे हैं, हमें ऐतराज नहीं है। देखिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से चौपट कर लिया है। 13000 करोड़ से अधिक का कर्ज पहले लिया, अभी 1300 करोड़ रुपए का ये न्याय योजना के तहत किसानों को बांटने के लिए पैसा लिया है। ये कर्ज लेकर बांटने की प्रवृत्ति किसी भी चीज के लिए अच्छी होनी चाहिए। मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूँ, मैंने जीवन भर व्यापार के क्षेत्र में काम किया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पदाधिकारी रहा हूँ। व्यापार की एक थ्योरी रहती है, आप कर्ज लेकर किसी को बांट नहीं सकते। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले तो संभव है, लेकिन कर्ज लेकर शादियां करेंगे, कर्ज लेकर बंगला बनाएंगे तो वो फर्म डूब जाती है। लेकिन जिस दिन से ये सरकार आई है, 1.5 साल हो गया है, 19 महीने की सरकार है, 19 महीने में 14500 करोड़ का ये कर्ज ले चुकी है। अभी दो किस्तें और 1500 करोड़ की इनको देनी है। राजस्व की स्थिति देख रहे हैं देश भर की, मैं अकेले भूपेश बघेल जी की सरकार की बात नहीं करता, चाहे वो केंद्र की बात हो या अन्य राज्य सरकारों की बात हो, कोरोना के चलते भारी संकट, आर्थिक संकट पैदा हुआ है। ये भी नहीं भूलना चाहिए सुंदरानी जी, 2014 से 2015 के बीच में 6 किस्तों में रमन सरकार ने भी कर्ज लिया था, और फिर 2017 में 5 किस्तों में 7200 का कर्ज लिया था, 72000 करोड़ का कर्ज लिया था, 2018 में करीब 2200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था। देखिए सुनिए ना, आप कर्ज लें तो सब सही है, सारी योजनाएं संचालित हो जाएंगी, और अगर दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार, दूसरी 7200 करोड़, सर आप 7200 करोड़ का 72000 सुन रहे हैं, मैंने कहा 7200 करोड़, इतने का आप लोगों ने कर्ज लिया था। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुंदरानी जी सुन तो लीजिए ना, इतनी देर से मैं मौका दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। आप लोग कर्ज ले और आप लोग कर्ज ले, मैं सुन रहा हूँ, आप लोग कर्ज, नहीं सुंदरानी जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब एक सरकार अगर कर्ज ले सकती है, फिर अगर दूसरी सरकार अगर परिवर्तित होती है और वो कर्ज लेती है, प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेती है, आप सरकार में 15 साल रह चुके हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और अगर सरकार ने अगर सोचा कर्ज ले रही है तो उसने उस कर्ज चुकाने के बारे में भी कुछ सोचा ही होगा। देखिए हमने 15 साल में 25000 करोड़ का कर्ज लिया, लगभग, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, लगभग जो मेरे पास आंकड़े हैं, और जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने 1.5 साल में 14500 करोड़ का कर्ज लिया है। आप ये कल्पना करिए, विकास 1 रुपए का नहीं हो रहा है। हमने 15 साल में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ के विकास के काम कराए, पुल पुलिया से लेकर 4 लाइन 6 लाइन और ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज ये सारे बनवाए, इस प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया। इन्होंने 1 रुपए के विकास के काम 1.5 साल में नहीं कर पाए, 19 महीने में नहीं कर पाए। अच्छा, और सारा पैसा अब कर्ज में आ गया है। हमने मजबूत अर्थव्यवस्था, 15 साल के कार्यकाल को जनता ने नकार दिया, और इस बार भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार को चुन लिया। लौटूंगी आपकी तरफ, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, सरकार तो वाकई में सौगातों देने वाली। 5 सेकंड दीजिएगा, 5 सेकंड गौरी जी। जी 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 गौरी जी, 5 सेकंड दीजिए। जी जी जी, बात पूरी कीजिए। देखिए सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और विधायक भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जहां किसानों को आज अगर कोई न्याय योजना के तहत राशि दी जा रही, तो इन्हें लग रहा है कि सरकार कर्जा ले रही है और इस उस कर्ज पर प्रश्न उठा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार बड़े उद्योग डिफाल्टरों को 6700 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करती है, तो वो सही है, लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ की किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए अगर कर्ज लेती है तो वो गलत है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं सुंदरानी जी। और तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश भी मिल रहा है, उन्हें बोनस भी दिया जा रहा है, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि भी दी जा रही है, और इस प्रकार के झूठ अगर चैनल में
संधानी जी बोलेंगे तो मुझे लगता है ये प्रदेश की जनता देख रही है और शायद यही नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति निर्मित हो चुकी है। झूठ झूठ और झूठ। किसान हितैषी सरकार है ये हम सब मान रहे हैं, ये पूरी प्रदेश की जनता भी मान रही है और जितने तमाम प्रदेश से बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार किसान हितैषी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेरोजगार युवाओं का क्या है, और अगर सिर्फ एक ही वर्ग पर अगर फोकस किया जाएगा तो क्या प्रदेश का दूसरा जो अन्य वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, ये क्या खुद को अछूता महसूस नहीं करेंगे? उनके बारे में भी सोचना होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बिल्ड किया जाना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य विभाग को हमें और ज्यादा स्ट्रांग किया जाना चाहिए, इनके बारे में भी सोचना होगा ना। हम सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस नहीं कर सकते। माना कि कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन उसके बाद हमें और भी चीजों पर फोकस करना होगा। गौरी जी, गौरी जी आपका प्रश्न एकदम लाजिमी है, मैं आपके इस प्रश्न का स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको स्पष्ट कह दूँ कि छत्तीसगढ़ किसान व्यापक प्रदेश जरूर है लेकिन ये आदिवासी बहुल्य प्रदेश भी है। 37% आज इस प्रदेश में आदिवासी हैं। हाँ। आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रदेश में सरकार काम कर रही है, ठीक है। उद्योग घरानों को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है, नए उद्योग घरानों को लगाने के लिए एमयू हम लगातार कर रहे हैं, खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं, और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए भूपेश सरकार काम न कर रही हो। लेकिन किसान इसमें आधारित है, पिछले 15 सालों में हजारों किसानों ने प्रदेश में आत्महत्या की, उसका कारण था कहीं न कहीं आर्थिक कमी, ये ब्यौरा बेस है जिसे लेकर सरकार चल रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, सुंदरानी जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन शर्मा जी का रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि बेहद जरूरी है। बाबूलाल शर्मा जी, वाकई में किसान हितैषी ये सरकार है, सौगात तो लगातार शुरू जिस दिन से ये सत्ता पे काबिज हुई थी उस दिन से लेके आज तक क्योंकि नाव ये सौगातें देती आ रही है। कितना लाभ यहाँ पे जनता को, किसानों को प्रत्यक्ष तौर पे पहुंच रहा है? देखिए, पक्ष और विपक्ष तो हमेशा रहते हैं। कल ये पक्ष में थे, वो भी पक्ष में थे, वो पक्ष में थे, ये भी पक्ष में थे, अपना अपना एक तरीका होता है, प्रक्रियात्मक विरोध जो करना ही पड़ेगा। सुंदरानी जी या भाजपा के कोई भी जो सदस्य प्रवक्ता होते हैं वो विरोध करते हैं जो योजनाओं का, लेकिन सुंदरानी जी जैसे साफ शब्द बोलते हैं, साफ साफ बात करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं हम योजना का विरोध नहीं कर रहे, योजना के प्रक्रिया का विरोध कर रहे, प्रक्रियात्मक विरोध, वो भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ हर मुख्यमंत्री का, हर पार्टी का अपना अपना काम करने का तरीका होगा, जब वो सरकार बैठती है अपने तरीके से काम करती है वो। कोई किसी का काम आगे बढ़ाता है तो वो तो सरकार का नियम ही है कि जो काम अधूरे रहते हैं उसको आगे बढ़ाया जाता है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम डॉक्टर रमन सिंह ने बेहतरीन ढंग से किया था उसकी तारीफ हुई थी, पीडीएफ में भी बहुत बढ़िया काम हुआ था उसकी भी तारीफ हुई थी, कई तो ऐसे पुलिया थी जिसकी उद्घाटन जो है इस सरकार ने किया, तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, अपवाद के स्वरूप कहीं कहीं भ्रष्टाचार का स्टेट हाईवे वगैरह में हुआ, वो बातें आई, जांच चल रही है, छोड़ दीजिए उस बात को, अपना अपना तरीका होता है। तो मुझे जो समझ में आता है, जिस तरफ डॉक्टर रमन सिंह का ध्यान था ज्यादा, अधिकतम जो है उन्होंने शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है, सड़क पुलिया ये सब किया, और पीडीएफ में काम किया, सुधार किया उसमें, वहाँ उसकी तारीफ है। लेकिन इस सरकार की जो मेरे को प्राथमिकता दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं किसान है, किसान का पुत्र है, आज भी किसानी का काम करते हैं वो खुद, तो उनका ध्यान जो है वो निश्चित रूप से जो है वेदनाओं है, किसानों की वेदनाओं को वो समझते हैं, तो उनका ध्यान गांव, गरीब, किसान इस तरफ ज्यादा ध्यान है। जो भी योजना आप देख लीजिए उठा करके, चाहे वो नरवा गड़वा घुरवा बारी हो, चाहे वो अभी गोबर का खरीदने का मामला हो, आप उनके डीप में जाएंगे तो गरीब के पॉकेट में कैसे पैसा पहुंचे, ये सोच मुझे इस सरकार की दिखाई देती है। और वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से अपने भी एक लाभ चाहेंगे कि वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतिष्ठा दिलाने के वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा पाना चाहेंगे, जरूर चाहेंगे, और आगे की चुनाव में भी उनको फायदा मिले ये भी ध्यान करेंगे, तो वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छी योजनाएं ला करके अगर कोई काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। सुंदरानी जी ने कुछ बातों की तारीफ की भी है अपने शब्दों में, वो खुलकर तारीफ नहीं कर सकते लेकिन कुछ शब्दों में की है। आप कोई भी चीज, तेंदुपत्ता बोनस के बारे में जवाब घनश्याम राजू तिवारी ने स्पष्ट कर दिया, उनको
धान खरीदी के मामले में अड़चने इतनी आई, फिर भी उन्होंने 685 रुपए किस तरीके से आगे के दरवाजे से पीछे के दरवाजे से कैसे भी करके किसानों की जेब तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पहुंचाया मतलब ये दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और किसी भी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि मुखिया के दिल में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है, चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए सोच हो, राजनीतिक लाभ की सोच हो, चाहे व्यक्तिगत लाभ की सोच हो, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, लोगों की जेब तक वो बात पहुंच जाती है, तो ये फायदेमंद है। जहां तक कर्ज का बात कहा आपने, कौन सी सरकार हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी राज्य की सरकार जो है, कौन सी राज्य सरकार ऐसी है जो कर्ज लेकर काम नहीं करती? जनहित के जो भी काम होते हैं, जो घोषणाएं वो करती है, वो ध्यान में रखकर करते हैं कि कर्ज लेना पड़ेगा और वो लेती है, कम ज्यादा की बात अलग है। ठीक है, अभी जिस स्थिति में अर्थव्यवस्था है, जिस पोजिशन में सब समझ रहे क्या स्थिति अर्थव्यवस्था की, उसको अगर कर्ज लेना पड़ा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, नियम पूर्वक है, नियम है उसका, सब राज्यों के लिए नियम है, तो वो गलत नहीं है। आप देखिए योजनाओं पर ध्यान दीजिए, गौठान योजना हो, आपने ऋण माफी की हो, चाहे आपने धान खरीदी में बोनस दिया हो, तेंदू पत्ता में बोनस दिया हो, राजीव न्याय योजना में दे रहे हैं पैसा, गोबर खरीदी करवा रहे हैं, नरवा गरवा घोड़ा बारी कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें जो है ग्रामीणों के ऊपर में है, ग्रामीणों के लाभ के लिए। जितने भी यहाँ के त्योहार होते हैं उनमें छुट्टी देना, तीजा पोला हरेली, मतलब छत्तीसगढ़ की अस्मिता को प्रतिष्ठा दिलाने का काम, मतलब उनकी जो छवि बन रही, वो चाहते हैं कि मेरी छवि ऐसी बने, वो यही है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ, और छत्तीसगढ़ के हित की बात ही करूंगा, गांव गरीब किसान की बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान की वेदनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं यही काम करूंगा। ये उनका अपना तरीका है काम करने का, रमन सिंह जी का अपना तरीका था, वो अपनी जगह सही थे, ये अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने भी जिक्र किया है कि सरकारें तो कर्ज लेती हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वयं एक किसान है तो किसानों पर ज्यादा फोकस है, किसानों पर फोकस और जो इंटीरियर क्षेत्र है उन पर ज्यादा फोकस, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं जो शहरी क्षेत्र है वहां पे पिछड़ रहे हो, या जो दूसरी जो चीजें हैं, जो दूसरी योजनाएं रोजगार को लेके हैं, युवाओं को लेके हैं, उस तरफ फोकस ना जा पा रहा हो, तो इसका क्या खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में? और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मतलब आप 10 में से कितने मार्क्स लेते हैं फिर? मुझे ऐसा लगता है कि वो देखिए, छत्तीसगढ़ पहली बात तो एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत बड़ी आबादी जो है वो बहुत बड़े शहरों से नहीं आती है, मध्यम शहर है, छोटे शहर है, बड़े जंगल है, गाँव है, वनग्राम है, तो अगर वहाँ के लोगों को मजबूत किया जा रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसकी जरूरत बहुत समय से थी। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था तब भी वो हिस्से उपेक्षित थे और वहाँ के लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था और सारी चीज़ें इतनी जल्दी इतनी आसानी से गवर्न नहीं होती हैं। तो भूपेश बघेल सरकार जो कर रही है, मुझे लगता है कि वो ठीक सही दिशा में काम है, उसमें कोई और कोई भी सरकार सही दिशा ही पकड़ने की कोशिश करती है। एक वक्त में रमन सिंह के पास भी ये नब्ज थी, रमन सिंह भी इसी तरह काम किया करते थे, बाद में वो हर चीज का एक दौर होता है, वो दौर खत्म हुआ, सरकार जनता ने उनकी सरकार को बदला। तो ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह भी इसी तरह से अपने पिछले कार्यकाल में करते रहे थे। तो भूपेश बघेल जो कर रहे हैं वो लोक लुभावन भले ही लगता है, लेकिन यदि उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो रहा होगा तो वो बहुत बुनियादी काम है जो आगे जाकर बहुत बड़े फायदे देंगे। दूसरे अगर इसका राजनीतिक पक्ष भी देखा जाए तो कांग्रेस का जो हाईकमान है, हाईकमान से हम अगर राहुल गांधी को मान लें तो राहुल गांधी भी इसी तरह की बात, इसी तरह का फोकस लगातार करते आए हैं कि समाज के उस तबके को, तो भूपेश बघेल सरकार ने पॉलिटिकली रूप से भी उस चीज को साध रखा है कि जैसा उनका हाईकमान चाहता है, और अगर इन दोनों चीजों में तालमेल बना के वो ठीक से काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बेहतर है। जहां तक कर्ज की बात है तो कर्ज में इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि कर्ज हर सरकार लेती है, काम करने के लिए कर्ज जरूरी है और कर्ज उसी को मिलता है जिसकी क्रेडिट अच्छी होती है, ये सीधा सीधा फलसफा है किसी भी सरकार में, मतलब तो जिसकी अच्छी होगी उसी को ही जी क्रेडिट, वो सरकार का जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर ही कर्ज मिलता है और ये चीज इंडिविजुअल भी लागू होती है, सरकार पे भी होती है दूसरी भी। तो अगर इस तरह से कर्ज लेके तो काम करने की तो जरूरत है, और कोरोना के वक्त में समाज के जिन तबकों को छूने की कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो मुझे लगता है कि एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ठीक है। ठीक है,
घनश्याम राजू जी, क्योंकि आप पूरे पैनल को आप भी सुन रहे हैं और जिस तरह से सभी स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए श्री चंद्र सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि हम योजनाओं का मतलब उनका अपोज नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि वाकई में सौगातें मिल रही हैं और सीधे सीधे फायदा भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इम्प्लीमेंट अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, आने वाले समय में भी निरंतर ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं? क्योंकि जो अवसरवादिता है, जो लाल फीताशाही है, वो कभी कभी इतनी हावी हो जाती है कि जो सरकार की तरफ से जितनी भी तमाम योजनाएं हितग्राहियों के लिए बनाई जाती हैं, संचालित की जाती हैं, उनमें पलीता लग जाता है। इससे कैसे बचेंगे आप? देखिए गौरी जी, इस बात को मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो, ये हो नहीं सकता। और ये इसलिए भी कह सकता हूं कि चाहे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, जब हम राज्य से अलग नहीं हुए थे, तो सत्ता और सरकार चलाने का जो अनुभव कांग्रेस के पास है, ये तो सर्वविदित है, देश ने देखा है। और रही बात दूसरा प्रश्न की अधिकारियों को किस तरीके से लगाम लगाएंगे, तो स्पष्ट रूप से है, एक जो खाका तैयार किया हुआ है, चाहे वो धान खरीदी का हो, उसमें राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राशि देने का विषय हो, या फिर पशुधन गौधन के नाम से जो गोबर खरीदी का हो, वो 4341 गौठानों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं 74,000 गौ पशुपालकों का गोबर खरीद रहे हैं, हर 15 दिन में उसकी राशि सीधे उनके खातों में जमा कर रहे हैं। एक ऐसा कंपाइल पैरामीटर बनाया हुआ है जो कहीं भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की उम्मीदें नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, चूंकि सुंदरानी जी विपक्ष में है, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, ये बात गलत है। बल्कि ये बताया सुंदरानी जी, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जो पक्षपात किया है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो बीमा राशि केंद्र से दी जाती थी वो 2020 में बंद कर दी गई है, इसका जवाब दे कि क्यों बंद कर दिया? सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए, गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास और प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के विकास के लिए केंद्र सरकार रोड़ा बन गई है, और आपके पास मौका था कि विपक्ष में रहते हुए एक सकारात्मक भूमिका निभाते, लेकिन आप लोगों ने भी वो मौका गंवा दिया। देखिए गौरी जी, मैं साफ कह रहा हूँ कि लाभांश की राशि नहीं दे रहे हैं। ये नहीं दे रहे हैं बोनस का पैसा, नहीं दे रहे बीमे का पैसा, और केंद्र केंद्र का तो राशि बहुत कम था, राज्य सरकार को बीमा कराना चाहिए, और बीमा राज्य सरकार कराती है। कोई केंद्र आपने बंद क्यों किया, ये तो पूछिए सुंदरानी जी, कम ज्यादा क्या होता है, बंद क्यों हुआ, केंद्र सरकार को तो देना चाहिए था। गौरी जी, बीमे का पैसा राज्य सरकार को ही, देखिए राज्य सरकार का तेंदुपत्ता तोड़ने का काम राज्य सरकार का है। हाँ, ठीक है, राज्य, लेकिन पहले रमन सरकार के वक्त दिया जाता था, फिर भूपेश सरकार के वक्त अगर बंद कर दिया जाएगा तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो जवाब चाहिए ही ना। छात्रवृत्ति क्यों बंद की इन्होंने, आदिवासी बच्चों की? हम दे रहे हैं 2018 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2020 का भी उन्हें प्राप्त होगा, हम दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को दूसरी बात, गौरी जी, आपको केंद्र सरकार की बीमा योजना क्यों बंद की है बताइए जी, बहुत संक्षेप में सुंदरानी जी, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए एक बड़ा वादा इन्होंने किया, दो बड़े वादे किए थे इन्होंने, एक शराब राज्य की जनता के बीच में अपनी जगह बना लेंगे, राजू ने उनका सुंदरानी जी जनता उस वादे को भी बार बार याद दिलाती है कि 15 लाख कब खातों में आएंगे। बहरहाल हमारे साथ बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी, घनश्याम राजू जी बहुत शुक्रिया, बाबूलाल शर्मा जी बहुत शुक्रिया, आशीष दुबे जी हमारे साथ लगातार चर्चा में बने रहेंगे। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की सरकार के द्वारा लिया गया कुल कर्ज राज्य के बजट का आधा हो चुका है। जी हाँ, राज्य का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए का है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज को जोड़ दिया जाए तो ये 51,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। हालात तो ये हैं कि छत्तीसगढ़ अब FIBM एक्ट की कर्ज सीमा के आगे जाता दिख रहा है, और कर्ज के बढ़ते ग्राफ के बीच सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। जाहिर है इससे योजनाएं प्रभावित होंगी और सरकार को
कई मदों में भारी कटौती करनी होगी। खैर, देखते हैं कि आर्थिक चुनौतियों से भूपेश सरकार किस तरह से निपटती है और निपटते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से दौड़ाती है।